Hello students, welcome back to another chapter of English. Two stories about flying, his first flight. Written by Liam O. Flaherty. Students, हमने two stories about flying का second part, that is black aeroplane, mysterious aeroplane के बारे में already study किया. तो उसका जो first chapter है, first part, that is his first flight, seagull के बारे में है students. Seagull जो होता है, जो हम देखेंगे आपको lake, sea, ये सारी जगह पे आपको फ्लाई करते हुए दिखेंगे उसके बारे में है. एंड इट इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज and attempted to flap his wings, he became afraid. So students, ये जो chapter है ये एक seagull के बारे में जो बहुत छोटा है and वो जो है वो उड़ने से डरता है. students, वो उड़ता नहीं है. उसके family members बहुत try करते हैं कि वो क्या करे, वो independent होके fly करे, लेकिन वो नहीं करता. वो attempt करता है लेकिन वो वापस डर जाता है. तो ऐसा end में क्या होता है जिससे वो उड़ना स्टार्ट कर देता है एंड इंडिपेंडेंट बनता है. लेट अस. सो लेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स एंड पॉइंट. कोई भी माउंटेन का एंड पॉइंट होता है या फिर जहां से आपको नीचे सी दिखता है उसे हम लेज कहते हैं. सो सीगल एक बार क्या हुआ, सीगल जो वो लेज पे अकेला बैठा हुआ था, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स ऑलरेडी उड़ चुके थे एक दिन पहले, मतलब उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया था. उससे बहुत डर लगता था उड़ने में. Somehow, उसने क्या किया स्टूडेंट्स, वो दूर गया, दूर से उसने उड़ने की ऐसे दौड़ते हुए आया, लेज के ब्रिंक तक पहुंचा, दैट इज एंड तक पहुंचा एंड उसने वहां से अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि वो उड़े. उसने अपने फ्लैप करने विंग स्टार्ट किए लेकिन वो डर गया एंड वापस चला गया. द ग्रेटेस्ट एक्सपांस ऑफ सी ब्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. तो स्टूडेंट्स, जैसे उसने नीचे देखा, फ्लैप करने लगा अपने विंग्स और नीचे देखा उसने, तो उससे दिखाई दिया कि बहुत बड़ा सी है एंड वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे माइल्स नीचे जाना पड़ेगा सी तक पहुंचने के लिए. बिकॉज इट वॉज एट द हाइट, जो लेज था वो हाइट पे था, तो वहां से नीचे जाने के लिए, सी तक पहुंचने के लिए बहुत ही डीप था सी, तो डिस्टेंस ज्यादा था, तो इतना उड़ना पड़ेगा. तो उसने बोला अगर मैं फ्लैप नहीं कर पाया, मैं थक गया तो मैं डूब सकता हूँ. तो उसे बहुत डर लग गया. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So students, उसे लगा कि उसके wings उसे support नहीं करेंगे. तो उसने head जो है, वो निराशा हो जाती है ना, तो उसने अपने head को नीचे कर दिया एंड वो वापस होल के टूवर्ड्स चला गया जहां पर वो रोज रात को सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. So students, जब उसके brother and sisters को वो देखता था कि वो उनके wings, उनके brother sister के wings उससे भी छोटे थे, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, brink के towards भाग रहे हैं, edge के towards, वहां से अपने विंग्स को ऊपर करके उड़ रहे, फ्लैप कर रहे हैं, देन उड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये रोज देखता था स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी करेज मस्टर नहीं कर पाता था, मतलब हिम्मत नहीं बना पाता था अपनी फर्स्ट फ्लाइट के, मतलब पहली उड़ान के. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू हिम, स्टाफ ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. But for the life of him, he could not move. अब उसके फादर मदर जो है स्टूडेंट्स, वो उसके आजू बाजू घूमते थे, सीगल, यंग सीगल के आजू बाजू जो डरा हुआ है उसे स्कोल्ड करते थे. अब ब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, श्रिली मतलब एकदम हाई पिच शार्प साउंड प्रोड्यूस करते थे जिससे उसे उसको धमकाते थे एंड उसे ये कहते थे, थ्रेटन करते थे कि तुम्हें हम खाना नहीं देंगे, तुम भूखे मरोगे जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे. बट वो यंग जो हम देखेंगे सीगल जो है, वो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के लिए बहुत ही सॉरी था एंड वो इतना डरा हुआ था कि उसे जरा भी अपने जगह से नहीं हिलना था, वो इतना डर चुका था.
मतलब कवर्डाइज काइंड ऑफ बोल सकते हो आप. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. तो स्टूडेंट्स उसके मदर फादर उसके टूवर्ड्स गए थे, वो उसको 24 आवर्स हो चुके थे एंड लास्ट 24 आवर्स से उसके पास कोई नहीं गया, उसे पूछने भी नहीं गया ना उसे देखने गया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. तो स्टूडेंट्स पूरे दिन 24 आवर्स में जो उसके फादर मदर हैं उन्होंने अपने बच्चों को दैट उसके ब्रदर सिस्टर्स जो थे सीगल के उनको सिखाया, पूरे टाइम उनको ट्रेन किया, परफेक्ट किया कि कैसे उड़ते हैं, कैसे फ्लाइट लेते हैं, कैसे वेव्स पे स्किम करते हैं, मतलब वेव्स के साथ मूव करते हैं एंड कैसे फिश को पकड़ने के लिए पानी में डाइव करते हैं. तो ये सारी ट्रेनिंग पूरे दिन उसके फादर मदर ने, सीगल के फादर मदर ने उनके जो बोल सकते हो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे सीगल के उन्हें दी. एंड ये सीगल जो है वो दूर से देखता रहा लेकिन उसे कोई पूछने नहीं आया. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब students उसने वहां से ये भी देखा सीगल ने एज पे से कि उसका ब्रदर जो है उसने पहली कैच पकड़ी, फिश पकड़ी पहली एंड उसे खाई. यूजली क्या होता है स्टूडेंट, जो सीगल्स होते हैं वो अपनी बीक के थ्रू क्या करते हैं डाइव करके एंड वो फिश को पकड़ते हैं अपने बीक के थ्रू. अब बीक को उन लोग फिर रॉक के वहां पर खड़े होके रॉक से उन लोग क्या करते हैं शार्पन करते हैं ताकि वो जो प्रे है उनका उनको अच्छे से खा सके, मतलब फिश को अच्छे से वो बीक के थ्रू कट करे एंड उसे खाए. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल. तो जो है वो उसने अपनी फर्स्ट उसके उसका यंगर या बोल सकते ओल्डर ब्रदर जो है जब उसने फर्स्ट फिश पकड़ी उसकी एंड वो रॉक पे खड़ा रहा फिश को लेके तब उसके पेरेंट्स उसके आजू बाजू घूम रहे थे एंड बहुत ही प्रेज कर रहे थे उसे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डाइज. एंड पूरा फैमिली स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये सीगल के आजू बाजू घूम रहा था एंड उसे टॉन्ट कर रहा था कि वो बहुत ही क्या है कवर्डाइज है, मतलब बहुत ही पट्टू है, वो आ ही नहीं रहा है आगे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब स्टूडेंट्स मॉर्निंग हो चुकी थी, सन जो है धीरे धीरे राइज हो रहा था एंड वो लेच पे वो जो बैठा हुआ था सीगल अब उसे बहुत ज्यादा धूप लग रही थी, प्यास लग रही थी एंड धूप तो ज्यादा ही लग रही थी. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने पूरी रात खाना नहीं खाया था, उसके पहले के दिन भी खाना नहीं खाया था. अब मॉर्निंग हो चुकी है तो उसे और ज्यादा धूप लग रही है, बेहोश होने की हालत में है. He stepped slowly out to the brink of the air ledge. अब स्टूडेंट्स उसने ना ट्राई किया और वो गया आगे, उसने स्टेप किया लेज के वहां पर एंड वो वहां पर एक लेग पे खड़ा हुआ एंड दूसरा लेग कहाँ था उसके विंग्स के अंदर. फिर उसने अपनी एक आंखें बंद की एंड बोल सकते हो कि ऐसे प्रिटेंड किया कि वो सो गया है. अब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था स्टूडेंट्स, ना उसका ना उसके मदर ना फादर ना उसके सिस्टर्स या ब्रदर्स, कोई उसे देख नहीं रहा था. तो उसने सोचा कि मैं कुछ नाटक कर लूं कि अगर मैं वहां पर सो जाऊंगा लेज पे तो किसी को कुछ दया आएगी एक्सेट्रा, पिटी फील करेगा कोई. तो ही स्टेप स्लोली आउट to the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wing, he closed his one eye and then the other. ऐसा बताने के लिए कि हाँ वो सो गया है. Till they took no notice of him, फिर भी किसी ने वो सीगल के towards नहीं देखा. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अभी हम देखेंगे वो सीगल ने देखा कि उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या कर रहे थे. स्टूडेंट्स एक प्लेटो था, मतलब एक लैंड के टाइप था, वहां पर दोनों क्या डोजिंग मतलब स्लीपिंग, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, मतलब क्या होता है इन लोग क्या सोते हैं तब क्या करते हैं अपना हेड जो है वो संक मतलब ऐसे नेक के अंदर रख देते हैं. तो वो ऐसे ही डोज हो चुके सो गए थे यहाँ पर. ये किसने नोटिस किया? सीगल ने. His father was preening the feathers on his white back.
ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. तो स्टूडेंट्स पूरा फैमिली बिजी था, सिर्फ उसकी मदर जो है, आपको पता ही है मदर का नेचर कैसा होता है, केयरिंग नेचर. तो आप देखोगे सिर्फ उसकी मदर उसके टूवर्ड्स देख रही थी, उसके फादर भी बिजी थे. क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग. अपने फेदर्स को वो क्या कर रहे थे, उसके फादर क्लीन कर रहे थे. एंड सिर्फ उसकी मदर ही क्या कर रही थी, उसके टूवर्ड्स देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. वो क्या थी स्टूडेंट, वो कहाँ पर थी, वो प्लेटो के हम्प पे खड़ी थी, मतलब एक हाइटेड एरिया होता है वहां पर वो खड़ी थी. एंड एकदम स्ट्रेट खड़ी थी, उसका ब्रेस्ट जो वो फॉरवर्ड की टूवर्ड्स था. Now and again, she tore at the piece of fish that lay at her feet. आपको पता ना स्टूडेंट सीगल क्या करते हैं, अपने पैरों के नीचे फिश रखते हैं, पकड़ा हुआ रहता है अपने पैरों के पंजे से, एंड फिर उनके बीक के थ्रू वो फिश को कट करते हैं. तो व्हाट शी वाज डूइंग, एक तो वो प्लेटो के हम पे खड़ी थी एंड वो कंटिन्यूसली पीस ऑफ फिश को क्या कर रही थी, अपने फीट से जिसको ट्रैप किया था उसे वो बीक से रॉक बोल सकते हो तोड़ रही थी. एंड रॉक से क्या कर रही थी, अपने बीक को बहुत ही शार्पन कर रही थी. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. अब उसने देखा कि मदर के पास तो बहुत अच्छी फिश है एंड ही वॉज लाइक यंग सीगल, बहुत ही भूखा था. तो उसने वो खाना देख के उससे रहा नहीं गया. हाउ ही लव टू टियर द फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू शार्पन इट. वेट इट मतलब शार्पन इट. उसे याद आ गया कि कितना मजा आता था जब खाना रेडीमेड मिलता था एंड वो क्या करता था, वो फूड को टियर करता था, तोड़ता था एंड अपने बीक को शार्प करता था रॉक से घिस के. तो ये सब उसे याद आने लगा. गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. अब स्टूडेंट्स ये प्लेटो पे थे सब एंड वो अकेला कहाँ था, एज पे था. सो यहाँ पर वो वहां से जोर से चिल्लाया गा गा गा. उसकी मदर ने रिप्लाई किया गा कॉला, she screamed back derisively. That is एक आवाज रिप्लाई के मूड में बोल सकते हैं. But he kept calling plaintively. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. वो दोनों के बीच में चलता रहा बोल सकते हो कम्युनिकेशन. एंड फाइनली सीगल जोर से बोल सकते हो एकदम जॉयफुली स्क्रीम कर रहा था, जैसे कि उसकी मदर उसके टूवर्ड्स गई हो खाना लेके और वो खुश हो गया हो, ऐसे जॉयफुल स्क्रीम थी उसे, चिल्लाया जोर से. अब क्या हुआ था, क्यों चिल्लाया, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. अब उसकी मदर ने क्या किया था, फिश का पीस उठाया था एंड वो उसकी टूवर्ड्स जा रही थी. अब क्या वो सच्ची उसे देने के लिए जा रही थी, लेट्स. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. तो स्टूडेंट्स वो सीगल है ना, टैप करते करते बेयर फीट फीट जो है उससे वो रॉक पे टैप करते करते थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा था एंड ये सोच रहा था कि उसकी मम्मी आएगी एंड उसे खाना देगी. But when she was just opposite to him, जैसे कि इमेज में देख रहे हो, when she was just opposite to him, she halted, रुक गई वो, her wings motionless, उसके wings भी move नहीं कर रहे थे, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब students उसकी beak and seagull की beak, उसकी mother की beak and seagull की beak बहुत ही नजदीक थी, लेकिन fish का piece जो है वो उसकी mother ने उसे नहीं दिया. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. अब students वो सोच में रह गया कि mother सामने है, fish लेके खड़ी है, तो वो थोड़ा आगे और क्यों नहीं आ रही उसे देने के लिए. And भूख के मारे इतना पागल हो चुका था seagull, young seagull, कि उसने dive कर दिया वो fish के लिए, मतलब jump मारा. So finally उसने अपनी first flight ली. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. And जब उसे realize हुआ students कि उसने jump मारा है, तो वो जोर से चिल्लाने लगा, जोरों जोरों से चिल्लाने लगा space में. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर उसे realize हुआ, अरे क्या हो गया ये, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था and उसका heartbeat जो है वो still हो गई थी एकदम. But it lasted only for a minute. लेकिन students ये एक ही minute के लिए था. नेक्स्ट मोमेंट उसने अपने विंग्स जो वो फ्लैप करने स्टार्ट किए, उसने आउटवर्ड्स लिए अपने विंग्स एंड फिर फ्लैप करने कंटिन्यूसली स्टार्ट किए. अब जैसे उसने अपने विंग्स ऊपर आउटवर्ड्स लिए, तो हवा जो है
वो उसके ब्रेस्ट के टूवर्ड्स फेदर्स में उसे फील करने लगे, देन उसके स्टमक के वहां एंड विंग्स के अगेंस्ट, मतलब उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया था. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब उसे पता चला students की wind जोर से आ रही है and वो उसके जो wings के tips है वहां पर cut करके जा रही है, मतलब उसके towards आ रही है, मतलब वो continuously ऐसे speed से fly कर रहा है. He was not falling headlong now. अब वो realize कर रहा है कि अरे मैं तो गिर नहीं रहा हूँ. He was soaring gradually downwards and outwards. मतलब नीचे ऊपर fly कर रहा था. He was no longer afraid. डर भी नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once and he soared upwards. उसे ऐसे लगा एक बार के लिए कि हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, डूब जाऊंगा अंदर. लेकिन वापस उसने अपने विंग्स जो वो फ्लैप करने चालू किए and जोर से चिल्लाया, गा 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 गोकुला. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. अब उसकी मदर जो है वो उसके साथ आई यहाँ पर and उसे मोटिवेट किया एंड लाउड नॉइस करके उसको बोल सकते हो मोटिवेट किया. He answered her with another scream. अब उसने सीगल ने भी आंसर किया. Then his father flew over him screaming. तो उसके फादर ने भी ज्वाइन किया एंड उसके फादर ने भी स्क्रीम करना स्टार्ट किया, दैट इज उसको मोटिवेट करना स्टार्ट किया. He saw his two brothers and sisters flying around him, covering and banking and soaring and diving. उसको कट मार रहे थे स्टूडेंट्स, उसके आजू बाजू जो है वो फ्लाई कर रहे थे, सोर कर रहे थे, डाइव कर रहे थे. तो ये सारी चीजें उसके आजू बाजू उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी आ चुके थे. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकली श्रिली. फिर वो भी स्टूडेंट्स उसको भूल गया वो कि कभी वो नहीं उड़ पाता था. वो कंटिन्यूसली डाइव करते रहा, सोर करते रहा, कर्व मतलब यहाँ वहां ऐसे डायरेक्शंस में जाने लगा एंड जोर जोर की आवाजें निकलने लगा. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव सोर एंड कर्व श्रिली. ही वॉज नियर द सी नाउ. धीरे धीरे जब उसे रियलाइज हुआ तो पता चला कि वो सी के ऊपर ही है अभी. Flying straight over it, facing straight out over the ocean. मतलब वो ocean के towards पहुंच गया था. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब students जैसे उसे देखा कि सामने क्या है, बहुत बड़ा green sea है, वो उसके towards गया and उसने अपनी beak को जो है वो side में कर ली and बहुत ही खुश हो गया उसे देख के. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. अब इन्होंने क्या कर दिया था स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड ब्रदर्स वगैरह जो है वो उससे आगे गए थे एंड उन्होंने लैंड कर लिया. They were beckoning to him, calling shrilly. वो जोर जोर से उनको पुकार रहे हैं सीगल को. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. अब जैसे वो उसमें खड़े रहने की कोशिश कर रहा था स्टूडेंट्स, जैसे उसके बाकी पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर्स ने किया था कि सी पे खड़े रहना, लेकिन वो ट्राई कर रहा था तो उसके पैर कहाँ जा रहे थे, वो सैंक हो रहे थे पानी के अंदर. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो जोर से वापस चिल्लाया, जैसे डूब रहा था वैसे चिल्लाया एंड वापस उसने विंग्स को फ्लैप करके ऊपर आने की ट्राई. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by strange exercise. So students, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, weakness थी, इसलिए वो क्या था ये hunger की वजह से, वो exercise की वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रहा था. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. अब students, उसके feet जो है वो green sea में sank हो रही थी. एंड उसकी बेली जो है वो कहाँ पर हम देखेंगे, वो सी को ऐसे टच कर रहे थे एंड जैसे उसने बैलेंसिंग करना स्टार्ट किया तो वो नीचे सैंक नहीं हो पा रहा था, ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट. लेकिन ये डर था एक्चुअली, देखने जाएंगे तो ये प्रोसेस है कि उसकी फीट जो है वो सैंक होगा, फिर बेली जो है वो टच होगी, तब वो बैलेंस होता है सीगल का. तो लेकिन उसे ये नहीं पता था, उसे डर लग रहा था. लेकिन जब ये उसके साथ हुआ देन ही रियलाइज दैट ही वाज एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन इट,
and around him his family was screaming, praising him. उसके आजू-बाजू उसकी family members थे जो उसे praise कर रहे थे. And their beaks were offering him scraps of dogfish. And उनके beaks पे क्या था, मतलब उनके जो beaks थी उसपे उन्होंने dogfish prey जो थी उनकी dogfish, मतलब उन्होंने एक dogfish को catch किया था. And वो क्या कर रहे थे, उसे offer कर रहे थे कि सीगल ये लो खा लो तुम्हें. And ऐसे हम देखेंगे कि सीगल ने क्या किया, अपनी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच.